अभी देखो प्रैंक अभी जस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रह के करूंगा, पर आपको डायरेक्टली प्रैंक का फुटेज देखने मिलेगा। उसका रीजन ये है कि मैं अभी जस्ट अंकिता के वहां पे आया हूँ। अभी कौन से प्रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ अंकिता को और मम्मी को, दोनों को इस गाड़ी के स्पोर्ट्स मोड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें अचानक बहुत ऐसे रॉकेट जैसी बन जाती गाड़ी और बहुत स्पीड में जाती गाड़ी। मैं चाहे स्पीड में ना हूं गाड़ी, पर अगर मैंने स्पोर्ट्स मोड किया, यहाँ पे रेड दिखा मुझे स्क्रीन पे, तो अंकिता भी इतना ही गुस्सा होती है और मम्मी भी इतना इक्वली गुस्से हो जाती है। पर हमारे पास एक ट्विस्ट है, मैं लेके आया हूँ हेलमेट। ये देखो पीछे मैंने हेलमेट रखा हुआ है, स्पेशली हेलमेट लेके आया हूँ कि मैं ये बताने वाला हूँ एक्सप्रेस हाईवे पे जाके कि एक्सप्रेस हाईवे पे अब से अगर किसी को स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चलानी है तो उसको हेलमेट पहन के चलाना कंपलसरी है। तो ऊपर से स्पोर्ट्स मोड से वो गुस्सा हो गया, इरिटेटेड हो गया, उसके अलावा हेलमेट के वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं मैं कहां से कैसे कैसे ये चीजें सोच लेता हूं। भयंकर वाले रिएक्शन आएंगे, तो उसको लेते हैं एंड पिक करने के बाद जैसे एक्सप्रेस हाईवे जाएंगे तो मैं आगे का शूट करूंगा। डायरेक्टली प्रैंक पे मिलते हैं। हां, सब्सक्राइब विद बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लेना, ब्लॉग चैनल पे डेली ब्लॉग्स आते जाके सब्सक्राइब करो। 3 आवर्स लेटर निको रेडी रहा, मैं बोलूँ ऐसा कर रहा हूँ, वो है ना ग्लास फेंकने के लिए गया अपना, अभी आती है ना वैसे तुरंत प्रैंक शुरू करता है। A few moments later. धूप में क्यों गई थी, पागल है धूप में? पर मुझे ऐसा सॉक्स है ना, पर बोल रही थी इतनी धूप में मेरे सॉक्स चीर चीर के धूप में। अरे अरे अरे, अच्छे की नक्शे ज्यादा है क्या? लाना देना वो आई बेटा, क्या चाहिए क्या लेना क्या क्या कर रहा है ये? तो पता नहीं है नया रूल है क्यों रही? कोई भी गाड़ी टर्बो इंजन वाली हो या तो फिर हाई स्पीड वाली हो तो कंपलसरी ड्राइवर को हेलमेट पहनना है। तो मैंने उसको भी पहनना कंपलसरी है, ड्राइवर को हेलमेट पहनना जरूरी है। अरे अंकित नया लेके आया हूँ, देख पहले, मैं पागल हूँ, मैं नया हेलमेट लेके आऊंगा। फनी लग रहा हूँ मैं, भूल है वो देख दिखा था इधर क्या है ये देख, तेरे को नहीं लग रहा फनी? मैं निकाल दूँ आगे तो पकड़ेगा, पता है फाइन कितना है हेलमेट बिना फाइन कितना है देखो मालूम है? कसम से बोल रहा हूँ अंकिता, मैं निकाल दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आगे जाकर। हाँ कसम से, एक सेकंड तू बोले तो मैं निकाल देता हूँ, मैं नहीं चलाता हूँ, फिर आगे आ जाएगा 20,000 का फाइन। 20,000 इसलिए तो मैं पागल हूँ कि तो मैं हेलमेट लूंगा वरना मैं दे देता हूँ छोटा मोटा फाइन होता तो। तो वो ये लोग तो जा रहे हैं कि उसके बिना अंकिता 1.5 के ऊपर के जितने भी इंजिन है उनको कंपलसरी है, उनके नीचे को कंपलसरी नहीं है। और उसके अलावा अगर हाईवे पे एक्सप्रेस हाईवे पे अगर तुम स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो भूल से भी, ठीक है, तो तुमको बहुत ही ज्यादा कंपलसरी अगर स्पोर्ट्स बोर्ड पे चला रहे हो और तुम पकड़ेगा बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट के। अरे पर हाईवे पे तो ट्राई तो करूंगा, धीरे धीरे मौत करना दिमाग से हटाएगा, स्पोर्ट्स मोड नहीं करेगा तू, नहीं किया है अभी तो, और ऐसा अभी खाली रास्ता नहीं है। क्या बोलते हैं ये रूल का नाम क्या है? न्यू व्हीकल लॉ, इतना कर तो सारे नए रोल लॉ आ जाएंगे तेरे पास। न्यू क्या कार व्हीकल एक ही होता है लॉ? ऐसा कोई मुझे लॉ नहीं दिख रहा ही रे। अंकिता हुंडई से फोन आया था मेरे को, और क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि सर हमको बताया गया कि कस्टमर ने जितने गाड़ी लिए नई वाली और स्पेशली जिन्होंने 1.5 सीसी की ली है उनको मैसेज ड्रॉप कर देना, पर आप तो हम पर्सनली जानते हैं तो मैं आपको कॉल करके बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पहले सर्च करके देखता हूँ, क्योंकि अभी अभी 2,000 की नोट भी बंद हो गई, पता है तेरे को? हाँ। मतलब रूल शायद सब चेंज हो रहे होंगे, तो फिर मैंने कॉल किया वहाँ पे आरटीओ में, आरटीओ ने बोला ये सर द रूल इज देयर तो आपको फाइन लग जाएगा। फिर मैंने फाइन पूछा तो उन्होंने 20,000 में, मैं तो शॉक हो गया, मतलब इन लोगों को बस लूट ही लेना है सब कुछ। बहुत फनी लग रहा है। और मम्मी ने अर्ली मॉर्निंग उठ के मेरे को ये हेलमेट खरीदने के लिए भेजा है, पर बहुत फनी लग रहा है मुझे। फनी क्या है अंकिता, एक सेकंड मुझे एक बात बता, बाइक पे जाते हुए लोग हेलमेट पहनते फनी लगते हैं? कार में हेलमेट पहन के कौन देखता है? रेसिंग कार में लोग हेलमेट पहन के बैठते हैं फनी लगते हैं? गो कार्टिंग में जब हेलमेट पहनती है तू या मैं पहनता हूँ फनी लग रहा था? यार ये तो डीमोटिवेट कर रही है, मैं तो निकाल के फेंक दूंगा। अब तो मैं और फाइन में निकाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 20,000 का फाइन जाएगा पहने रहो, मतलब तू या पूरे वक्त कभी भी हाईवे ट्रिप पे जाए कभी भी हेलमेट पहन। यार पता नहीं कौन सा हेलमेट ले लो, इतना हेवी है ऐसा लग रहा है मेरे सर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।
कितने भी ट्रिप में मारेंगे बाहर तो उसमें देखो हेलमेट पहन के रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो दूसरी वाली का जो अपनी गाड़ी है वो 1.6 है और ये 1.5 टर्बो है, पहनना ही पड़ेगा। अरे भगाने नहीं वाला, पर कम से कम ट्राई तो करो ना स्पोर्ट्स मोड। मुझे चीड़ है स्पोर्ट्स मोड, मैं तो हेलमेट भी पहना हुआ है। तो मैंने नहीं पहना, मैंने नहीं पहना ना, तेरे लिए कंपलसरी थोड़ी ना है वो। तो एक्चुअली उन लोगों ने बोला कि लॉ पहले तीनों के लिए आने वाला था, पर उसके बाद इन लोगों ने चेंज करके सिर्फ ड्राइवर का कर दिया। तीनों का मतलब तीनों ऐसे हेलमेट पहन के बैठे रहेंगे, मतलब जितने बैठे हो, पर उसके बाद लॉ हट गया कि पीछे वाले नहीं बैठेंगे। रोड पे सब देख रहे तेरे को। अरे वो भी वो नहीं पहना, उसको फाइन लगेगा, मेरे को क्या। देख ये रूल है, तू रूल फॉलो कर रहा है तो मेरी बात ठीक है, पर टर्बो करना नहीं है, भले कुछ भी हो जाए कितना। अरे हाईवे अंकिता, ये तेरी और मम्मी के फालतू की जीत है यार। मैं गाड़ी टर्बो ली और तुम्हारे दिमाग में वहम है कि स्पोर्ट्स मोड मतलब रॉकेट। मुझे पता है स्पोर्ट्स मोड से कैसा होता, मैंने है ना ऐसे चुटके के अंदर, चुटकी के अंदर गाड़ी को 180 तक पहुंचते हुए देखा है। किसकी? तेरी गाड़ी को। मैं मम्मी को बता नहीं है तो शुक्र मान मेरे कि मैंने मम्मी को बताई नहीं है ये। जब देखो दिमाग सड़ाने की चीजें करता रहता है तेरे साथ में, फिर मैं क्यों नहीं आती। क्या है, क्या कर रही है? ड्राइव मेरी ड्राइविंग सेटिंग्स के साथ छेड़खानी मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी। दिमाग मत चला निकुंज, अभी मैं मम्मी को बोलती हूँ रुक। मैं रुक, मम्मी को बोलती हूँ निकुंज के साथ एक कंपनी को बंद करना है। पहले गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला है जो भी है ठीक है, और हेलमेट पहन के जब स्पोर्ट्स मोड पे चला था ना, लिटरली स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है। था नीचे किसी का यार, मैं क्या करता स्पीड में गए पता है तुझे क्या? कोई वैल्यू है या नहीं है अपनी? हजारों बार ये गवर्नमेंट यार मेरे को समझ में नहीं आया, मैं स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा हूँ, अच्छी खासी चला रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे को। तू मेरे दिमाग सड़ा देता है तेरे साथ। अच्छा मैं तेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा हूँ, ये गाड़ी चलाते चलाते मुझे बता दे दो फिर। अरे इसमें वो रोड असिस्ट और स्टीयरिंग असिस्ट है। समझ में नहीं आ रही है झगड़ा क्यों कर रही है मेरे साथ। प्लीज बोल रही हूँ, और मेरे को वो मत करना, मेरे को चिपक जाएगा कांच के पीछे। पर मुझे एक बात बता क्या? अरे इसमें रोड असिस्ट है, लेन असिस्ट है, ये गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, छोड़ दूंगा तोड़ दी क्या। अपने इतना ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी इंसान इंसान होता है, टेक्नोलॉजी और रोबोट है। पर तू अरे मेरी तो गाड़ी भी नहीं चल रही फास्ट, तो ट्रक के पीछे वैसे निकल रही हूँ। तुम्हारे ये ट्रक नहीं है, ये इनोवा है। पीछे तो कोई ना, या मेरा जीवन yes. कर दो कि मुझे बता दो। ये बहुत फास्ट चल रही है, ये नाए है, ये नाए, देखो मेरी कर दो ये यार, मुझे समझ नहीं आ रही है यार। मैं छोड़ दो, मुझे आना छोड़ दो, मैं चल रहा हूँ। छोड़ दो तो हम लोग जाए, देखो छोड़ के आनंद ऐसा। मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, अब तो सारे रूल फॉलो करो, फिर क्या है। पता नहीं क्या चाहती है जिंदगी में मेरे से। अरे यार मत कर, ये जो सेटिंग चेंज कर दी तूने, जानबूझकर मैंने की। ड्राइव मोड की सेटिंग नहीं जो स्पोर्ट्स पे, पर ड्राइविंग अंकिता कभी भी अचानक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, इसमें सारे एडस फीचर्स है। एडस फीचर्स गायब बाढ़ में, वही बचाता है गाड़ी को और अपने को। तो नहीं करना ऐसा, खतरों के खिलाड़ी बनना अपने को। और इसमें है एडस लेवल 2 यार, ये मत करना प्लीज, मत कर स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मली चला जैसे इंसान लोग चलाते हैं, ऐसे नहीं कर प्लीज, मत करना। क्यों मार रही है उसको? वो बोल रहा है कि वो मजा रही है और मजा रही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल पागल इंसान फालतू में बोलता है, जिला था वैसे बोलने दे इसको, तू एंजॉय कर राइड को। ये मत करना बकवास, बंद कर, मेरे को नहीं पसंद। मैं 220 से रोक दूंगा, टेंशन मत ले। वो जो मौत का भी डर लग रही है, हीरे प्लीज ना कर, प्लीज कह रही हूँ मैं, प्लीज कह रही हूँ, प्लीज प्लीज। मैं मम्मी को जाके नाम बोलूँ तो मेरा नाम बदल देना। क्या नाम रखे बता? 200 लाइफ के साथ मजा नहीं लेना चाहिए। हजारों वालों कमेंट में बोलते हैं तेरे को फिर भी नहीं आती अक्ल, बेचारा लगा है क्या? मैं
मैं मेरे पास पैसे नहीं चराऊंगा कहां से बंद कर दे या तो मुझे गाड़ी यार ये क्यों इनो वाला आगे पीछे करा जा भाई घर चले जा अभी तो दिमाग की कड़ी करके रखी हुई है तूने प्लीज मुझे लाल लाल देख के डर लगती है प्लीज यार बंद कर मुझे डर लगती है ओए हेलो लाल लाइट मतलब ब्रेक की भी होती है ना मारूं ब्रेक की नहीं है स्पोर्ट्स मोड वाली लाल लाइट से डर लगती है इसके सारे ऑटोमोबाइल चालू कर देता हूँ मैं कुछ मत करना प्लीज नॉर्मल चला जैसे गाड़ी चल अब कुछ नहीं करने का ना एक्सीलेटर ना ब्रेक कुछ नहीं अपने आप गाड़ी चलेगी देख और साम कोई गाड़ी रुकने की हुई तो और रुक जाएगी अपने आप ही देख ब्रेक अपने आप मारती गाड़ी देख और वो अगर भूल गई ब्रेक मारना है या कुछ उसके लोचा हुआ तो वो भूल जाएगी तो भूल जाएगी क्या भूल जाएगी ना भूल जाएगी अपनी क्या रहे ग्लिच हो सकता है ये तो उखाड़ लेके ऐसा बोल रहा है क्या करते हो यार मैं हूँ अगर नहीं हो तुम लोग आते वक्त तुम लोगों ने ऐसे ही करके चला कर आए और इसके लिए तेरे बाल खराब थे अरे बहुत मजा आ गई थी नहीं मत कर तेरी मम्मी पापा को अरे तू बोल रही है तो बता रहे कि आते टाइम मजा आ गई थी कम से कम कोई साइड में चिल्लाने वाला तो नहीं था मुझे पहुँचने थे एक बार भगवान प्लीज भगवान दादा सेफ्टी में वन पीस में हम तीनों तीन को घर तक पहुँचा दो तीन लोग वन पीस में तीन लोग तीन पीस में पहुंचे हम लोग खुद की एक एक पीस में पहुंचे अभी तो गाड़ी चलाने दे ठीक है अब डिस्टर्ब मत करना स्मार्ट का मात्र किलोमीटर गिन के हमारा क्या था यार लाइन में भूल जाता बाद में जाए किलोमीटर गिनते अपना टाइम निकल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है बस चल रहा है धीरे बकवास मत कर ठीक है भाई अब मैं बोला मैं बाहर में हाथ जोड़ के मैं तेरी सब बात मानूंगी लाइफ में कभी प्रैंक नहीं करूंगी कुछ नहीं करूंगी प्लीज तेरी हर बात मानूंगी बंद कर प्लीज ये स्पोर्ट्स मोड बंद कर प्लीज प्लीज आप प्रॉमिस बस बंद मुझे मालूम है कसम प्रॉमिस कुछ नहीं मानती मैं मानती हूँ तेरे को भी पता है बहुत अच्छे से मैं मानती हूँ मैं अगर ना होना तो मैं करती नहीं हूँ प्लीज ही प्लीज ही प्लीज ऐसे अरे ट्रैफिक है रुक जा अभी सब्सक्राइब कर दे सीरियस है यार ये लड़का कर ठीक है फाइन तू कर सब्सक्राइबर्स देख रहे और उनको जाने दे यार हंसी आ रही है ऐसे काम ही नहीं करने के जो हर्षी है वो छुपा अरे पर तेरी वजह से उन लोगों को लगेगा कि ये क्या बेवकूफ लड़की अगर रूल आया उसको फॉलो नहीं करवा रही है कोई नहीं नहीं तेरा कोई भी गाड़ी जा रही मुझे तो लग नहीं रहा है किसी देख से वो I-20 है किरण प्लीज निकाल ले मुझे इरिटेशन हो रहा है और ये स्पोर्ट्स मोड बंद करो अब फाइन लगने दे चलेगा मेरे को निकाल ले लगने दे फाइन चल स्पोर्ट्स मोड हटा रहेगा स्पोर्ट्स मोड हटा नहीं रहेगा स्पोर्ट्स मोड मेरे फाइन मेरे से बात मत कर खराब कर रही है फालतू में मैं रूल फॉलो करने का बोल रही हूँ पेन ले बस पर स्पोर्ट्स मोड नहीं मेरे को मेरे से बात मत करना अब निकल दे ना जाना ही नहीं है ट्रिप में तेरे साथ कहीं पे मूड खराब कर दिया खड़ी रखनी पड़ रही गाड़ी यार फास्ट मत भगाना ये ड्राइव मोड क्यों हटाया फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट का है उन्होंने कुछ सोच पहले हंस रही थी मेरे पे हेलमेट पहन रहा था तब मैं मुझे अजीब सा लग रहा था मेरे लाइफ में पहली बार तूने ऐसे हंसी से मेरे को अजीब लगने लगा बाद में मैं लाइफ में पहली बार किसी को देखा कान में हेलमेट पहने हुए इसीलिए हंसी आ रही थी अब मैं कान में हेलमेट पहनते हुए कान में क्या सिर पे हेलमेट पहने हुए मैं स्पोर्ट्स मोड चलाने वाला हूँ पहनू या नहीं पहनू प्लीज पहन पर स्पोर्ट्स मोड मत चला प्लीज लाइफ में थोड़ा भी प्यार करता हो तो नहीं करता प्लीज इसको समझा स्पोर्ट्स मोड ना करे मैंने गाड़ी इसलिए खरीदी है ताकि मैं स्पोर्ट्स मोड में चला पाऊँ प्लीज हिरन ना करो अपनी लाइफ के साथ में अब देखो ऐसा करने तो ले मैं नहीं चला रहा प्लीज हाथ जोड़ दो हाथ जोड़ दो दोनों हाथ से चला भगवान ने दो हाथ दिए तो उसका यूज कर भगवान ने तेरे को मुंह दिया है हाँ उससे तो बोल सकती है बोल ही रही हूँ मैं चिल्ला सकती है चिल्ला भी रही हूँ मैं चुप रह सकती है नहीं रह सकती क्योंकि दिया है उसका यूज करूंगी मैं तो मेरे हाथ पांव दिए तो लात मार के बाहर फेंक दूं हिम्मत है तो करके दिखा मेरे में जो हिम्मत है मैं करूंगा हिरन यार पकड़ ना पहले प्रॉब्लम सॉरी आई एम सॉरी प्लीज यार हिरन मत कर मेरे को टेंशन देता है तू प्लीज यार ये हेलमेट बहुत हैवी पड़ रहा है मैं काम करना जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो कर लेते हैं क्या ले तू पहन ले मैं क्यों पहनू अरे क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि साइड वाला पहनना तो भी चलता कोई भी एक जन को पहनना चाहिए फ्रंट में कोई भी एक जन को कंपलसरी है पहन ले मेरे बाल बिगड़ जाएंगे पहन लेना पागल है ऐसा कोई उड़ने वाला जो चला था उसी के लिए रूल होता है अरे यार शिट क्या हुआ क्या हो गया
पुलिस वाले खड़े, उन्होंने देख लिया आपने, कहा 20,000 देने पड़ेंगे मेरे को हेलमेट बिना के। यार पूरे वो पहने रहा और फिर लास्ट में तूने कांड कर दिए। कहाँ थे पुलिस वाले? वो रहे ना। कहाँ वो? अंकित तो सामने खड़े दिख नहीं रहा क्या? कहाँ वो सामने वो लोग वो मारते नहीं लिफ्ट, वो लोग है खड़े। तो पुलिस वाले तो अरे वो फ्री ड्रेस में खड़े होते हैं, उन्होंने फोटो तो खींचा, देखा नहीं तूने फ्लैश बड़ा वाला अपने मुंह पे आया था? मुझे नहीं दिखा। वहाँ सामने देख, 80 किलोमीटर आगे देख, 80 किलोमीटर आंखें मेरी, मतलब मैं इतनी अंतर अब आत्मा हूँ का आंख बंद करके मुझे 100 किलोमीटर दूर दिखने वाला। पर ये क्या कर रहा है मुझे रिकॉर्ड? देखो इसको अभी समझ नहीं। अरे पर हेलमेट वाला रूल सच में है? झूठ। तुम लोगों ने मुझे उल्लू बना दो बैठ करके। तो क्या खड़े रहके उल्लू बनाए? मैं उल्लू बना के भाग जाऊंगी। वैसे अंकित हेलमेट तो पहने, एक्चुअली है ना मैंने गलती कर दी कि मैंने जल्दी खत्म कर दिया, इसके बाल इसने आज बनाया था ना, इसका हेलमेट पहनने देना जैसा था, मजा आ जाता है और पहन लेती है, हो जाता है तेरे चिल्ला चिल्लाने के बाद। चल हट मेरे से, नहीं करने वाली, पता नहीं नहीं करने वाली, मेरा बाल मेरा अच्छे से मारे हुए है। नहीं एक्चुअली निकुंज बोल रहा है कि यार उसने बहुत दिन से मार नहीं खाई। मारी मैंने उसको दो बार, तो मार दिया मैंने उसको दो बार, तो वो मार खाने में ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरी मार खाने। और एक तू वो सब्सक्राइबर मिले तो वो भी गाड़ी चला लेता, आप लोग सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट इंस्टाग्राम और ट्विटर का फॉलो कर लेना, ब्लॉग्स पे डेली ब्लॉग्स आते, जाके सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर दो उसको और इस भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते रहे। और हाँ गाइस कमेंट में बताना कि आपको नई गाड़ी का नया लुक कैसा लगा।